नमस्कार दोस्तों, एक नए वीडियो में स्वागत। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे, हमारे पास यहाँ तेज लुमिनस इन्वर्टर लाइफ में एक बैटरी है, ये लगभग 6 से 7 महीने तक रखी हुई थी, ग्राहक ने यूज नहीं कर रहा था। तो आज हम लोग यहाँ पर इन्वर्टर के साथ फिट करने के लिए आए हुए हैं, तो ये बैटरी चल नहीं रहा है, मतलब इस बैटरी में करंट नहीं, जिसको इन्वर्टर से कनेक्ट कर रहे हैं तो इसमें कुछ शो नहीं कर रहा। तो आखिर ये 6 महीने से जो बैटरी हमारी रखी हुई है, तो आखिर इसमें क्या प्रॉब्लम आ गया, चलिए जानते हैं। और एक हमने यहाँ पर ये लाया हुआ है, बूस्टर लाया हुआ है। तो पहले हम लोग बैटरी के वोल्टेज को चेक कर लेंगे, यदि हमारी बैटरी 12 वोल्ट की होगी तो हमारा जो इन्वर्टर ओल्ड इन्वर्टर है वो चार्जिंग करना स्टार्ट कर देगा, मतलब उठा लेगा। यदि बैटरी डीप पे चली गई होगी तो ये नहीं उठाएगा। देखिए दो रीजन होता है, या तो बैटरी खराब हो जाती है या तो हमारी बैटरी, ये देख लीजिए यहाँ पर हम लोग वोल्टेज पहले चेक कर लेते हैं। यहाँ पर हम लोग मल्टीमीटर को डीसी में लगा लिया है, डीसी में लगाने के बाद यहाँ पर देख रहे हैं 2.30 वोल्ट, मतलब 2.3 वोल्ट शो कर रहा है, यानी हमारा जो बैटरी का वोल्टेज है बिल्कुल डाउन हो गया। 12 वोल्ट की बैटरी होती है, अगर 11.5 वोल्ट भी होता तो ये बैटरी इन्वर्टर से चार्ज कर लेता, लेकिन ये हमारा देखिए यहाँ पे बिल्कुल मतलब 2.3 वोल्ट शो कर रहा है। तो हम लोग यहाँ पर इस बैटरी को वोल्टेज को बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पर एक हमने बूस्टर लाया है जो कि 30 एम्पियर का है, और इसको हम लोग इसको बूस्टर बोलते हैं या हाई पावर चार्जिंग बोलते हैं, यानी अधिक करंट देकर ये बैटरी को क्या कर देगा, ये चार्ज कर देगा, 12 वोल्ट बैटरी को ला देगा। तो हम लोग इसको लगाएंगे और लगभग 6 से 7 घंटे तक इसको हम लोग छोड़ देंगे, ठीक है। ये बूस्टर है, और प्लस वाला हम लोग प्लस में लगा देंगे, माइनस वाला हम लोग माइनस में लगा देंगे। जैसे दोस्तों होता क्या, कभी कभी कि किसी किसी गांव में जाना रहता है, तो आपको क्या करना है, जब भी कहीं गांव जाइए या कुछ दिन के लिए घर से बाहर जाइए, तो बैटरी का जो पावर वाला स्विच है उसको मत बंद करिए, ठीक है। बैटरी में ऑटोमेटिक इन्वर्टर में कटाव लगा रहता है, चार्जिंग फुल होने के बाद ऑटोमेटिक सप्लाई को कट कर देगा, ठीक है। तो हम लोग जब चार्जिंग लगाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, जो बैटरी का ढक्कन होगा, मतलब ये जो 6 इंडिकेटर लगे हुए हैं, इसको हम लोग खोल के बाहर कर देंगे, क्योंकि जब ये चार्जिंग होगा तो क्या होगा, ये बॉयल होगा, ठीक है। बॉयल होगा तो इससे क्या होगा कि इसको हम खोल देंगे तो हमारा अच्छे से चार्जिंग करेगा बैटरी। चलिए तो हम लोग यहाँ बूस्टर लगा दिए हैं, उसके बाद हम लोग यहाँ पे इसको निकाल देते हैं और यहाँ पर हम लोग इसको लगा देते हैं, यहाँ लगा दिए हैं चार्जिंग वाला, और यहाँ पे देख रहे हैं ना हम लोग यहाँ पे जो बूस्टर था हम लोग लगा दिए हैं, और बूस्टर में आप देखेंगे तो हमारा यहाँ इंडिकेटर जलना स्टार्ट हो गया है। अब हम देख लेते हैं कि ये बैटरी कितने वोल्ट पे चार्ज हो रहा है। हमने यहाँ स्विच चालू कर दिया है, ठीक है, स्विच चालू कर दिया है। चालू करने के बाद हम लोग चेक कर लेते हैं कि जो हमारा बूस्टर है, बूस्टर ऑन हो गया है, और यहाँ पे एक एनसी, दो एनसीबी है, एक एनसीबी हम लोग यहाँ उठा देते हैं। 150 एम्पियर में एक एनसीबी उठाना है, 300 एम्पियर की बैटरी है तो दो एनसीबी उठाना है, ठीक है। तो हमने एक एनसीबी उठा दिया है, और यहाँ पे मल्टीमीटर से हम लोग चेक भी कर लेते हैं कि जो हमारा चार्जिंग हो रहा है कितने वोल्ट से चार्ज हो रहा है। तो पहले तो देख लेते हैं जो हमारी चार्जिंग एम्पियर चेक कर लेंगे, तो हमारा यहाँ पे 2 से 3 एम्पियर से चार्जिंग स्टार्ट कर दिया है, मतलब 3 एम्पियर से चार्जिंग कर रहा है। उसके बाद चलिए हम लोग वोल्टेज एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारा जो वोल्टेज है कितने वोल्ट पे ये चार्ज कर रहा है। तो एक प्लस में लगाना और एक हमको माइनस में लगाना, उसके बाद मल्टीमीटर में देखना है 13 वोल्ट, यानी 13 वोल्ट से ये हमारा जो बूस्टर है ये बैटरी को चार्ज कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे तो लगभग 13 वोल्ट से बैटरी को चार्ज कर रहा है, ये देख लीजिए 13.30, मतलब 13 वोल्ट से बैटरी को चार्ज कर रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस बैटरी को 6 से 7 घंटा इसी तरह वहां पर छोड़ देंगे, ठीक है। चलिए हम लोग इसको छोड़ देते हैं, उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे आते हैं। तो हम लोग यहाँ छोड़ देते हैं बैटरी, और आपको ध्यान रखना है कि ज़्यादा 10-12 घंटा नहीं चार्ज करना, 6-7 घंटे हमारा जो बैटरी है ये फुल चार्ज हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर अब 6 घंटे बाद आ गए हैं, ठीक है, 6 घंटे बाद आए हैं। ग्राहक ने खुद यहाँ पे इन्वर्टर को निकाल दिया है, मतलब बूस्टर को निकाल दिया है ग्राहक ने, और अपना इन्वर्टर अटैच कर दिया है, ठीक है, देख रहे हैं ना, वो ग्राहक ने अपना अपने से ही खुद इन्वर्टर बैटरी को अटैच कर दिया है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं कि जो हमारा बैटरी का वोल्टेज है वो कितना वोल्ट हो गया है। स्टार्टिंग में तो 2.5 वोल्ट शो कर रहा था, अभी हम लोग वोल्टेज चेक कर लेते हैं 6 घंटे चार्ज करने के बाद। तो यहाँ पे हम लोग लगाते हैं, ये हमने लगाया है, उस पर चेक करते हैं यहाँ पे 12.10, यानी हमारा बैटरी जो थी 12 वोल्ट पे
आ गई है, मतलब 12 वोल्ट बैटरी आ गई, मतलब 6 महीने रखने के बावजूद भी हमारी बैटरी बूस्टर चार्ज कर ली है तो हमारे 12 वोल्ट बैटरी शो करना स्टार्ट कर दिया है। ठीक, 11.887 मतलब वही लगभग 12 वोल्ट के राउंड फिगर। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पर जो चार्जिंग करें हैं इसका हम लोग कितना चार्ज करेंगे, तो दोस्तों हम लोग अगर घर पे जात के बूस्टर लगाते हैं तो 250 रुपये चार्ज होता है, अगर आप शॉप पे लाते हैं तो आपका 150 रुपये में चार्जिंग हो जाएगी बैटरी का। ठीक है, 150 एम्पियर की बैटरी में। ठीक है, और यहाँ पे देखिए हमारा बैटरी इन्वर्टर से अब चार्ज होना स्टार्ट हो गया है। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।